दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपको दिखाने का जो तात्पर्य है वो यही है कि हमारे जितने भी पशुपालक भाई हैं वो जान सके कि जो देशी गोवंश है उनमें और जो विदेशी गोवंश है उनमें क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है दोपहर के करीब करीब 12:30 बजे हुए और भरी दोपहर में अभी जो आज का जो टेम्परेचर है 46 डिग्री का टेम्परेचर है जो मैंने अभी नापा है। आप देख सकते हैं धूप की जो कड़क है वो कितनी है आज की डेट में। और ये हमारा जो नंदी है थारपारकर नस्ल का, ये बिना किसी हाफन के ना तो ये गर्मी मान रहा है ना, आप देख सकते हैं आराम से बड़े आराम से मज़े में जो है खड़ा हुआ है। तो ये जो है ये विशेषता है हमारे देसी गोवंश की। यदि आप अपने पास अपने बाड़े में अपनी जो गायें हैं उनको शिफ्ट करते हैं देसी गायों में तो कभी भी आपको जो है इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी जो विदेशी नस्ल की गायों में आती हैं कि जो उनमें हाफने की समस्या, ज़्यादा गर्मी की वजह से दिक्कत परेशानी। ये बछड़ी है हमारी, ये भी जो है धूप में खड़ी हुई है। कुछ हमने छोटी बछड़ियाँ वो अंदर हमने बांधी हुई हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं ज़्यादातर जो हमारे पशु हैं वो सब धूप में ही बंधे रहते हैं। अब देखिए छाया के जुगाड़ भी हमने जो हैं किए हुए हैं इंतज़ाम, लेकिन क्या है कि वो बहुत ही निश्चित मात्रा में है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की आप अगर शिफ्ट होते हैं देसी गायों पर तो आपको आपका जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा जो है बच जाएगा, जो आप अननेसेसरी दवाइयों में इन सभी चीज़ों में जो है खर्च करते हैं। तो हमारे जो देशी गोवंश है उनमें बहुत सारी जो खूबियाँ ये है कि जो गर्मी है वो गर्मी और सर्दी दोनों ही सहन करने की इनमें क्षमता होती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं आप यदि अपने जो डेयरी फार्म है उसको शिफ्ट करते हैं देसी गोवंश में तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने आपको कंपैरिजन दिखाया है वो यही दिखाया है कि जो देसी गोवंश है वो कितनी भी धूप चली जाए उसको सहन करने की उसमें अद्भुत क्षमता होती है। आप देख सकते कितना शांत स्वभाव में धूप का आनंद लेते हुए हमारे नंदी महाराज, ये थारपारकर नस्ल के हमारे नंदी हैं जो हमारी गौशाला में हमारा चारे का और बहुत सारा जो है काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।